हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोन शर्मा। आप देख रहे हैं इंडियन टेक जोन। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूँ वीवो X21 और वन प्लस 6 के बीच। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कौन सा फोन बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो दोस्तों, दोनों ही फोन मार्केट में रिसेंटली लॉन्च हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इनके क्या क्या हैं स्पेसिफिकेशंस और देखते हैं कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इन दोनों ही फोन्स के चिपसेट से कंपैरिजन। तो दोस्तों, वीवो X21 में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 660 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर और वन प्लस 6 में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 845 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर। तो दोस्तों, फोन में से आपको अच्छा फोन जो है वन प्लस 6 है, क्योंकि दोस्तों ये जो 845 का प्रोसेसर है ये आपको फ्लैगशिप फोन्स में मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा होता है। और वीवो X21 में इतना अच्छा प्रोसेसर नहीं है, क्योंकि दोस्तों उसमें स्नैपड्रैगन 600 सीरीज का प्रोसेसर है जो कि मिड रेंज वाले फ़ोन्स में मिलता है। तो दोस्तों, प्रोसेसर में हमारा वन प्लस 6 आगे है। तो दोस्तों, प्रोसेसर के कंपैरिजन में मैं वन प्लस 6 को 1 पॉइंट दूंगा, क्योंकि उसका प्रोसेसर अच्छा है। तो दोस्तों, अगर बात करें रैम और स्टोरेज की, तो दोस्तों वीवो X21 में आपको मिल जाती है 6 GB रैम विथ 64 GB इंटरनल, और वन प्लस 6 में आपको मिल जाती है 8 GB रैम विथ 128 GB इंटरनल स्टोरेज। तो दोस्तों, इसमें भी दोस्तों वन प्लस आगे है। तो दोस्तों, रैम और स्टोरेज में भी मैं वन प्लस को 1 पॉइंट और दूंगा, क्योंकि दोस्तों इसमें ज़्यादा रैम और स्टोरेज है। तो दोस्तों, अगर बात आती है रियर कैमरा की, तो दोस्तों आपको वीवो X21 में मिलता है 12+12 MP का डुअल रियर कैमरा, और वहीं आपको वन प्लस 6 में मिलता है 16+13 MP का डुअल रियर कैमरा। अभी मैं वन प्लस 6 को 1 पॉइंट और दूंगा, क्योंकि दोस्तों इस फ़ोन में आपको बेटर रियर कैमरा मिलता है। तो दोस्तों, अब बात आती है सेल्फी की। तो दोस्तों, सेल्फी के लिए आपको वीवो X21 में मिलता है 12 MP का फ्रंट कैमरा, जबकि आपको वन प्लस 6 में मिल जाता है 16 MP का कैमरा फ्रंट। यहाँ पे भी मैं वन प्लस 6 को एक और पॉइंट दूंगा, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको मिल जाता है बेटर फ्रंट कैमरा। दोस्तों, आप वन प्लस 6 फ़ोन में मेमोरी कार्ड नहीं डाल सकते, जबकि आप वीवो X21 में मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें मैं वीवो X21 को दूंगा 1 पॉइंट, क्योंकि इसमें मिल जाता है आपको मेमोरी कार्ड डालने का स्लॉट। तो दोस्तों, अगर आप बात करें दोनों ही फ़ोन्स की स्क्रीन की, तो दोस्तों दोनों ही फ़ोन्स में आपको मिल जाता है 19:9 की स्क्रीन, जो कि फुल HD+ डिस्प्ले है, तो काफ़ी अच्छी बात। स्क्रीन में दोनों ही फ़ोन्स को 1-1 पॉइंट दूंगा, क्योंकि दोस्तों दोनों की स्क्रीन सिमिलर हैं। और दोस्तों, दोनों ही फ़ोन्स में मिल जाता है आपको 8.0 ओरियो, और दोनों ही कस्टम UI पर वर्क करते हैं। तो दोस्तों, इसमें भी दोनों सेम हैं। तो दोस्तों, जो हमारा वन प्लस 6 है वो वर्क करता है कस्टम UI, उसका नाम है ऑक्सीजन OS 5.1। जो हमारा वीवो X21 है वो वर्क करता है फन टच OS 4.0 पर। इसमें भी मैं दोनों ही फ़ोन्स को बराबर पॉइंट देता हूँ 1-1। और दोस्तों, आपको वीवो X21 में आपको NFC की सपोर्ट भी नहीं मिलती, जबकि वन प्लस 6 में मिलती है। तो यहाँ पर वन प्लस 6 के हो चुके हैं 7 पॉइंट्स। और बात करें दोस्तों फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो दोस्तों वो दोनों ही फ़ोन्स में मिलता है, वन प्लस 6 में आपको मिलता है रियर में, और जो वीवो X21 है उसमें मिलता है आपको स्क्रीन पर मिलता है उसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो वीवो के हो गए हैं 3 पॉइंट्स और वन प्लस 6 के हो गए हैं 8 पॉइंट्स। तो दोस्तों, कंपैरिजन का विनर है वन प्लस 6, क्योंकि दोस्तों उसके हैं 8 पॉइंट्स, और जबकि वीवो X21 के हैं 3 पॉइंट्स। तो दोस्तों, आप अब सोच सकते हैं आपको कौन सा फ़ोन लेना है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।